सर सुप्रीम कोर्ट के वकील कब आ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के वकील कल या परसों आएंगे भारी तादाद में। न्याय मिलेगा सर सुप्रीम कोर्ट? 100% न्याय मिलेगा सुप्रीम कोर्ट में। जब तक चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ है न्याय 100% मिलेगा। क्या कारण लग रहा है आपको कि आज कोर्ट छोड़ के वकीलों को सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को धरने पे आना पड़ा? अरे भाई, हम जब अपने सुप्रीम कोर्ट की बार में टीवी पे देखते थे, बच्चे पदक जीत रहे हैं, और जब देखते थे प्राइम मिनिस्टर भी बैठ के बातें कर रहे हैं, सारा देश खुश था। तो क्या मान लिया जाए कि आज बीजेपी अंबेडकर के कदमों पर नहीं चल रही है? बीजेपी काहे के अंबेडकर के कदमों पर चल रही है? बिल्कुल खिलाफ चल रही है बीजेपी। तो बीजेपी तो अंबेडकर को पसंद ही नहीं करती। लोकतंत्र की हत्या है 100%। ये लोकतंत्र नहीं है, इसको कहते हैं हम शासन। शासन का मतलब ये होता है जहाँ लोगों को विभाजन करके बांट के जाति में, धर्म में, गरीब में, अमीर में, और कुछ परसेंट वोट लेके सत्ता में बैठने का जुगाड़ है, उसका नाम है शासन। लोकतंत्र वो होता है, लोकतंत्र वो होता है चाहे हमारा कोई भी सिस्टम हो नेता चुनने का, एक बार बना दिया तो उसको 100% लोगों की भागीदारी करनी है, 100% लोगों की बात करनी है, उसका नाम है लोकतंत्र। यहाँ तो आप लोगों ने देखा होगा संसद के अंदर ही, राज्यसभा में, लोकसभा में एमपीओ का तौर तरीका क्या है? मेरे को तो सारे गुंडे लगते हैं ज्यादातर। बोलने की तमीज उनको नहीं, बोलने की तहजीब उनको नहीं, सारे झूठे एफिडेविट देते हैं, इलेक्शन में ज्यादा खर्चा करते हैं। हम तो मांग करेंगे यहाँ पे आके कि हर एमपी का एफिडेविट नहीं चलेगा अब देश में। सुनो, हर एफिडेविट नहीं चलेगा देश में अब कि मैंने इतना खर्चा किया। उनको झूठ पकड़ने वाली मशीन पे लिटाएंगे तो एमपी बनेगा वो, वरना नहीं बनेगा। तो देखना, इस देश का प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री, सबकी सदस्यता भंग हो सकती है इस देश में। ये देश को रूल ऑफ लॉ के हिसाब से चलने नहीं देना चाहते। ये क्या चरित्र बनवाएंगे हमारे युवाओं का जब इस तरह के काम करे? युवाओं में क्या मैसेज जाएगा कि इस देश में रूल ऑफ लॉ नहीं है? खिलाड़ियों की अस्मिता ही महफूज नहीं है तो आम लेडीज की अस्मिता? 100% आप देख लीजिए, बिल्कुल ये अस्मिता बिल्कुल महफूज नहीं है। लुटियन जो उनको हम कहते हैं, इनकी गिद्ध दृष्टि होती है। जो इसके पास भी पावर होती है वो होती है लोगों के लिए, ये उसका मिसयूज करते हैं। ज्यादातर नेता इस तरह के कामों में इन्वॉल्व हैं, अगर जांच हो तो इस देश में। इसको जाति और धर्म के जो मुद्दे में ये फंसने वाला नहीं है, फंसाने की कोशिश है इस देश का युवा। बीजेपी यहाँ पर तमाम जो एजेंसियां उनका दुरुपयोग कर रही है, आपने जांच की बात की, फिर भी जांच नहीं होती है। जांच को कैसे होगी जब गृह मंत्री जांच नहीं होने देगा? पुलिस की क्या औकात है? पुलिस कमिश्नर की क्या औकात है? कुछ भी औकात नहीं है। ये कोई सत्यपाल मलिक जैसे गवर्नर नहीं है, ये कोई टीएन सेशन जैसे पुलिस कमिश्नर नहीं है कि जिनकी वजह से पूरा संस्था देश की नजरों में अच्छी हो जाती है। आदमी वो चीज है जो संस्था को खत्म कर देते हैं और जो जनता संस्था को सुशोभित करते हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई की कार्रवाई नहीं रुकेगी, तो क्या इससे लगता है कि उनको ईडी सीबीआई की पहली जांच तो हमारे देश के इन्होंने जो एफिडेविट दिए हैं इलेक्शन में जो खर्चे के, इनकी जांच सबसे पहले होनी चाहिए, फिर पूरा देश तैयार है, ये जैसे कहेंगे ऐसे करेंगे। सत्यपाल मलिक ने जो बोला सर, आपको लगता है कि एकदम सही बोला है जो उन्होंने भ्रष्टाचार का भी कहा कि 100%, इसमें कोई गुंजाइश है क्या? आप पूछो अपने दिलों से, बात सुनो, सबूत जब दिए जाते हैं, जब झूठ हो, सच्चाई जब होती है पूरे देश की जनता के दिल में टच करती है। आज वो टच बोलना चाहिए था, आप तो मुंह खोल रहे हैं जब बीजेपी पार्टी छोड़ दी है, ये अमित शाह बोल रहे हैं। अब पहले बोलना चाहिए था। अरे आप, मेरे को तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने पत्रकार हैं, सुप्रीम कोर्ट के पत्रकारों की बता रहा हूँ, सारे चैनलों के पत्रकार वहाँ बैठे हैं, उनसे हमारी बात हुई इसे एक प्रोग्राम के लिए। बोले सर हम बंधुआ मजदूर हैं, हम बोल नहीं पाते, आपके प्रोग्राम में आना चाहते हैं, हमने राइट टू एक्सप्रेशन का प्रोग्राम किया था सुप्रीम कोर्ट में, हम आना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, मन है, मगर हमें तो ये भी चैनल से पूछना पड़ेगा, हम बंधुआ मजदूर हैं। मैंने कहा असली में बंधुआ मजदूर हो? यूनानी मसली सुप्रीम कोर्ट के अंदर जहां पत्रकार देखा जाएगा हर जगह, तो देश तो खत्म ही हो रहा है। कैसे खत्म होगा? क्योंकि मीडिया पर दबाव, एजेंसियों पर दबाव, यहां पर हर जगह दबाव दबाव रहेगा तो देश तो फिर खत्म ही है। ये दबाव फ्रांस में था, फ्रांस क्रांति हुई, ये दबाव रूस में था, रूस में क्रांति हुई, ये दबाव इस देश में होगा? या के बेवकूफ है क्या लोग, ये भी करेंगे? ये अपने लोगों पर विश्वास करते हैं, हम अपने देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इन सब पे विश्वास करते हैं, वो विश्वासघात कर रहे हैं। सर एक सवाल उठाया जाता है हमेशा से चुनाव आयोग पर, ये कहा जाता है कि चुनाव आयोग भी जो है कहीं ना कहीं आप बीजेपी सरकार के दबाव में काम कर रहा है, इससे आप सहमत हैं? सारी संस्थाएं ली गई हैं और सारी सरकारें, ज्यादातर पार्टियां उनको गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं। इस बार इस सरकार में कुछ ज्यादा ही हो रहा है। सर बीजेपी को कैसे उखाड़ेंगे अगर तमाम चीजें उनके दबाव में काम करें, तमाम संस्थान उनके दबाव में काम कर रहे हैं, तो बीजेपी को उखाड़ नहीं पाएंगे? जब जनता को फीलिंग पहुंचेगी अन्याय की, सब कुछ उखड़ जाएगा,
कोई बचाने वाला नहीं, मैं और आप दो आदमियों से करने से कुछ नहीं होगा। ये देश की फीलिंग ऐसी चीज़ है जो पहुंच जाती है। बहुत सारी बातें हम छुपाते हैं, छुपाने से बात नहीं चलती, चेहरा मुंह से भी ज़्यादा बोलता है। सर भाई जब एफआईआर हुई है, क्या कोई लिमिट होनी चाहिए कि कितने दिन में? ये कुछ नहीं है, ये इस शरण के साथ में, शरण की शरण में जाने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भी उसका रिजल्ट भुगतना पड़ेगा। सर ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो लड़कियां हैं, इन्होंने ये दीपेंद्र हुड्डा को WI पर अगला अध्यक्ष बनाना चाहती है इस वजह से। अरे चोर तो जब चोरी करके भीड़ में घुसता है, जब लोग उसके पीछे लगते हैं, वो भी कहता है चोर 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 पीछा छुटाने के लिए, क्या दीपेंद्र हुड्डा करेगा इसमें? क्या नहीं नहीं नाम भी सामने आ रहा है, विनोद तोमर का भी नाम सामने आ रहा है, ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ विनोद तोमर का भी नाम सामने आ रहा है कि उन्होंने भी कहीं ना कहीं ऊपर भी एफआईआर दर्ज हुई है, क्या कुछ कहेंगे कि क्या पूरा सिस्टम ही गड़बड़ है? मुझे उसके बारे में ज्यादा नहीं पता। मलिक साहब जी, देखिए आप ये मान के चलिए सत्ता का अहंकार है, सत्ता में बैठा हुआ एक आदमी जिस पे 38 एफआईआर पहले से थी, 2 एफआईआर और हो गई, उसके बाद अगर आप देखें उस पे इतने संगीन आरोप होने के बावजूद जिस तरीके से वो मीडिया में अपनी रिपोर्ट्स दे रहा है, ये एक किस्म से सत्ता का अहंकार है। और इस सत्ता के अहंकारी को तोड़ने के लिए आज पूरा वकील समाज अपने इन बच्चों के को समर्थन देने के लिए यहाँ पर आया है। हमारी ये बच्चियाँ देश का गौरव हैं, इन्होंने जब देश का नाम ऊंचा किया था तो देश के प्रधानमंत्री ने बुला के कहा था ये मेरा परिवार है। आज देश के प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं, ये हम जानने के लिए आए हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिर्फ एक लिमिटेड प्रेयर थी, वो लिमिटेड प्रेयर तय हो गई है, उसके बाद कानूनी लड़ाई भी जारी रहेगी। लेकिन ये जो रोड वाली लड़ाई है जो इन बच्चों के साथ कल रात को है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं, आज लीगल फ्रेटर्निटी पूरी ताकत से आज इनको समर्थन देने के लिए रोड पर भी और कोर्ट में भी इनकी लड़ाई इस देश में आर और पार की लड़ाई होगी। और ये कहीं ना कहीं अहंकार को तोड़ने की ये जंग शुरू हो गई है। मैं ये मानता हूं कि कोई भी प्रोटेस्ट लोकतंत्र के अंदर हम लोगों का राइट है, देश के संविधान ने हमारे को एक राइट दिया है, उस राइट के तहत अगर उन बच्चों को कुछ थोड़ी सी सुविधा, वो तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली पुलिस को प्रोवाइड करने चाहिए थे, वो बेड बरसात हो रही है, वो बच्चे हमारे फ्यूचर हैं, उन बच्चों को कोई बीमार भी हो सकता है, नीचे कोई सांप या कोई जानवर भी काट सकता है, उस तरह की सुविधा दिल्ली पुलिस को करनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने इनको रोका है, वो दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से निर्णय नहीं लिया है, ये कहीं ना कहीं जो सत्ता, जो अहंकारी सत्ता है, जो भ्रष्टाचार अडानी को रोकने के लिए डाइवर्ट किए जा रहे हैं ये मुद्दे, उन सबको उजागर करने का समय आ गया है। देखिए देश में जब सत्ताधारी इतने अहंकारी हो जाएं तो लड़ाई में समय लगता है, और ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है। जैसे आपका ध्यान होगा आज से 2-3 साल पहले जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था, तो सब लोगों ने ये सोच के वो आंदोलन शुरू किया था कि महीने 15 दिन का ये आंदोलन है, लेकिन वो सालों तक अगर चला था तो उस अहंकार के वजह से चला था, और वो अहंकार उस दिन भी चकनाचूर हुआ था और अब दोबारा भी चकनाचूर होगा। हम सभी लोग उनको बच्चों को समर्थन के लिए जा रहे हैं और वापसी में आपसे बात करेंगे।